देखिए बॉलीवुड का कोई तैमुरवा हगा तैमुरवा खाया इसी यही रह गया है। नशेड़ी बॉलीवुड, नशेड़ी खान, ये तमाम लोग बॉलीवुड को बर्बाद कर दिए। ये नशेड़ी गैंग है, वो एगो चोर है, गुटका छाप कलाकार, उसका नाम शाहरुख खान है। तो वो लोग सनातन को बर्बाद कर रहे। तो आप कह रहे सनातन के वो लोग ध्वजवाहक है, ऐसे लोगों को देश से बाहर होना चाहिए। साउथ वालों ने हमारी फिल्म इंडस्ट्री की हमारा एक अलग मर्यादा बनाकर रखा हुआ है। साउथ से अगर कंपेयर करिए बॉलीवुड को, आपको लग रहा है जो संस्कृति है बचा कर रखा है साउथ ने? साउथ में आप चले जाइए, हर घर में सनातन की चर्चा होगी, प्रभु श्री राम की चर्चा होगी, और हर घर में जो है मंदिर और मर्यादा की चर्चा होगी। वहाँ प्रतिष्ठा, वहाँ पर आज भी फिल्में आती है तो पर्दा के अंदर आती है, यहाँ पर्दा खोल कर नाचा जाता है। अभी बॉलीवुड वालों को साउथ के मूवियों से सीखने की बहुत कुछ की आवश्यकता है। क्या सीखना चाहिए? संस्कार सीखना चाहिए, जो है सनातन के साथ खड़े होकर धर्म का प्रचार करना सीखना चाहिए, मंदिर का कैसे मान प्रतिष्ठा रखना चाहिए उसको सीखना चाहिए, इन तमाम चीजों को सीखना चाहिए। अच्छा, तो आपको लग रहा है जो साउथ मूवीज है वो बॉलीवुड से लाख गुना बेहतर है? लाख गुना, 1 करोड़ गुना बेहतर है महाराज। कहां आप, कौन सी दुनिया में है? साउथ वालों ने हमारी फिल्म इंडस्ट्री की हमारा एक अलग मर्यादा बनाकर रखा हुआ है। वहां लोग अपने हीरो को भगवान की तरह पूजते हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां के लोग गुटखा का प्रचार बहुत कम करते हैं और वो सिर्फ राम की और जो है समाज सेवा की बात करते हैं। बात करें बॉलीवुड की, करे समाज को दूषित कर रहा है। देखिए बॉलीवुड का कोई तैमुरवा हगा तैमुरवा खाया इसी यही रह गया है। नशेड़ी बॉलीवुड, नशेड़ी खान, ये तमाम लोग बॉलीवुड को बर्बाद कर दिए। ये नशेड़ी गैंग है, बॉलीवुड मत कहिए इनको। ये लोग नशा का व्यापार करते हैं, नशा करते हैं और नशा बेचते हैं। ये लोग हीरो है, वो हीरो है हमारे, वो हीरो हमारे देश के, असली हीरो एपीजे अब्दुल कलाम थे, स्वामी विवेकानंद जी थे, चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह जी थे। आप जो है गुटखा गैंग को असली हीरो बोल रहे हैं, ये हमारे देश के असली हीरो कभी हो ही नहीं सकते हैं। हमारे देश के असली हीरो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और इसके बाद जो स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस थे। कह रहे भारतीय संस्कृति को जो जीवित रख रहा है वो बॉलीवुड है। आप कह रहे हैं कि नहीं रख रहा है? कौन रख रहा है, कौन रख रहा है? जो एक फिल्म आई हुई थी, वो एगो चोर है, गुटका छाप कलाकार, उसका नाम शाहरुख खान है। वो जो है उसके साथ दीपिका पादुकोण की जो है एक गाना रिलीज हुआ था, उसमें उस वो लोग सनातन को बर्बाद कर रहे। तो आप कह रहे सनातन के वो लोग ध्वजवाहक है, ऐसे लोगों को देश से बाहर होना चाहिए। ट्रेंड चलाते हैं, जब कभी शाहरुख खान, सलमान खान और तीसरे कौन सैफ अली खान की मूवी आती है, बायकॉट का ट्रेंड चलाते हैं। बहिष्कार क्यों कर रहे हैं आप? बहिष्कार इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये देश को कैंसर बेचते हैं, इनके अंदर दम है तो ये गुटखा ना बेचे, हम लोग इनका समर्थन करेंगे। ये देश के युवाओं को कैंसर बेच रहे, गुटखा बेच रहे, गुटखा का प्रचार कर रहे हैं, और खुद इनसे पूछो इनका बेटा और इनकी माँ और इनका बाप कितना गुटखा खाता है। ये देश के लोगों को, युवाओं को एड का प्रचार करके, जो है गुटखा का एड करके, ये गुटखा खाने पर क्यों बेबस करते हैं? काफी फैन बेस रखते हैं, अभी आपको गालियां पड़ रही होंगी। क्या फैन बेस है, क्या फैन बेस है? शाहरुख खान का क्या जवान देखिए, अब्दुल कलाम से ज्यादा फैन बेस है जी, चंद्रशेखर आजाद जिससे, भगत सिंह से ज्यादा फैन बेस है। अरे एक गोली लोग नहीं खा सकते, वो तो देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के पंदे को चूम गए थे। मिसाइल मैन जो रियल में जो है किंग खान है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो हमारे देश के असली हीरो हैं और वो इस देश के सच्चे और अच्छे देशभक्त थे, अच्छे देशभक्त। आपको क्या लगता है बॉलीवुड और साउथ में कौन सा बेहतर है? अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो, देखते रहें वी भारत।